जैसे कि लास्ट क्लास तक हमने अपना स्टेयर केस का सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइप का स्टेयर केस हमने पढ़ लिया था, सिंगल फ्लैट स्टेयर केस। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये वाला भी दिया था बनाने के लिए, जिसमें हमने मल्टीपल लैंडिंग तोड़ी थी। अगर हम कॉम्बिनेशन सेटअप में जाते हैं और सिंगल फ्लाइट हमें देना पड़ता है, तो हम इस तरीके के सेटअप के साथ जाना जाते हैं। हर 10 स्टेप या 12 स्टेप के बाद आपको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। जैसे आप मेट्रो स्टेशन वगैरह जाओगे, वहाँ पर सब जगह आपको इसी टाइप का स्टेयर केस देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, हर 10 से 12 स्टेप्स के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म का जो साइज़ होता है, वो जनरली जो लैंडिंग की जो स्टेयर केस की विड्थ होती है, हमारा उतने लेते हैं। अब रेजिडेंशियल है तो हम 1000 या 1200 mm का लेते हैं, लेकिन यहीं अगर ये कॉमर्शियल होता तो ये साइज़ हमारा 3000 का जाता टोटल विड्थ, ठीक है, यानी कि 10 फिट। 10 फिट में क्या होता है, आपका एस्केलेटर आ जाता है, बाकी के 7 फिट में आप बाकी के 7 फिट में आपको क्या होता है, 6.5-7 फिट में आपका स्टेयर केस होता है। तो लैंडिंग का साइज़ भी उसके उसके लिए फिर क्या रहता है, आपका 3000 बाई 3000 का लैंडिंग प्लेटफॉर्म आता है आपका उस तरीके से। लेकिन रेजिडेंशियल है तो वहाँ पर हम थिन प्लेटफॉर्म देते हैं, ज़्यादा जितनी विड्थ है उतने ही प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, अब सेकेंड टाइप के स्टेयर केस के लिए चलते हैं, जो कि हमारा कहलाता है एल टाइप स्टेयर केस। एल टाइप स्टेयर केस का यूज़ हम करते हैं जहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ्लोर प्लान बनाया हुआ है। इस फ्लोर प्लान में यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, इधर की तरफ हमारा लॉन या गार्डन एरिया आ रहा है, उसके बाद इधर आपके कार पार्किंग आ रही है, यहाँ से आपका गेस्ट रूम, डाइनिंग, किचन, पाउडर वॉशरूम, बेडरूम 1 और बेडरूम 2, और पीछे की तरफ सेट बैक आपका खुला हुआ आ रहा है। इस तरीके से लेआउट है पूरा ये हमारा। अब हमने इसमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमें वर्क क्या करना है इसमें, स्टेकेज डिज़ाइन करना है हमें। हम इस पर्पज से स्टेकेज बनाना चाह रहे हैं कि ये तो हमारा एक फैमिली पैक के लिए पूरा हो गया। अब हमें ऊपर के पोर्शन को क्या करना है, रेंट आउट करना है। तो रेंट आउट करने के लिए ऊपर के लिए स्टेयर्स देनी पड़ेगी। अब स्टेयर्स आप पीछे से भी दे सकते हो, आगे से भी दे सकते हो, सेंटर में भी डाल सकते हो। लेकिन अगर मैंने घर सेंटर में डाली तो क्या होगा, घर के अंदर से स्टेयर्स आएंगी हमारी। घर के अंदर से स्टेयर्स आने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो रेंट वाला पोर्शन है उस वो रेंट जो रेंट में रहेगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमारा घर के अंदर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या क्या चाह रहे हैं, स्टेयर्स ऐसी दें जिससे कि हमारा पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो जाए और ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एल टाइप स्टेयरकेस के साथ जाएंगे। पहले स्टेयरकेस की विड्थ ले ली हमने, स्टेयरकेस की विड्थ 1000 से 1200 mm रहती है हमारी। मैंने यहाँ के लिए 1200 mm की विड्थ ले ली दोनों तरफ से। अच्छा, कुछ स्टेप हमारे इधर की तरफ चढ़े जाएंगे और कुछ इधर की तरफ आएंगे। सबसे पहला डिसाइड ये करने का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे हमारे। तो हम वही 3000 mm की हाइट पे लेके चल रहे हैं, या चाहे तो हाइट बढ़ा लेते हैं, 3600 कर लेते हैं अभी। इस एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से चढ़ाने के लिए 3600, जिसमें आपका 1 फिट ऊपर ये चला जाएगा, तो बाकी का जो स्पेस बचेगा वो बचेगा हमारा, ठीक है। बट स्टेयर्स तो हमारी यहीं से चढ़ेंगी, तो यहाँ से टोटल 3600 mm की हमें हाइट लेनी है फ्लोर टू फ्लोर की। तो अब इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लिए जाएँ। स्टेप्स निकालने के लिए कैलकुलेटर ओपन किया, हमने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी ली है, 3600 डिवाइड कर दिया। राइजर कितने का लिया है हमने, 150 से डिवाइड कर दिया, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं हमारे, 24। अब हमने यहाँ से क्या क्या ऑफसेट लिया, एक स्टेप हमारा 300 से 250 mm का होता है, हमने 250 mm पे अभी स्टेप ले लिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से आप आगे 14th में फ्लोर आ जाएगा आपका, है ना, यही तो होगा। अच्छा, 14th पे फ्लोर आ गया हमारा, बचे कितने स्टेप, टोटल कितने स्टेप चाहिए थे हमें सर, 10 बचेंगे, 10 बचेंगे। अब वो 10 किधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे। एक तो लैंडिंग भी हो जाएगा हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए 9 स्टेप पूरे। अब एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम क्या कर दें, यहाँ से ट्रिम कर दें, इनको डिलीट कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार बनाने के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हो रहे हैं, 1,
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो 10 स्टेप चाहिए, तो एक स्टेप कम बनाया था, 10 हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 23, हैं? अच्छा, 10 तक यहाँ हुए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 24 जो होगा वो इसके बाद आ जाएगा, ऊपर से स्लैब चालू हो जाएगा हमारा, है ना? इतना हो गया हमारा। अच्छा, अब ये स्टेट्स बना दिए हमने। स्टेट्स बनाने का नेक्स्ट काम क्या होता है, इसके सेक्शन कट करना। पहले सर जो आपने 24 लिया है, क्या कहते हैं स्टेप, वो तो ऑलरेडी क्या कहते हैं स्लैब में चला गया ना। हाँ, तो आपने फिर वहाँ पे ऑफसेट क्यों लिया था ऊपर? चेक करने के लिए ले, उसको डिलीट कर देंगे अभी हम। ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्या रहेगा फिर, 24 जो आपका स्लैब का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने किस में करना होता है, डॉटेड में। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी जी। सर ये जो क्या कहते हैं लैंडिंग दे रखी है, वो तो 3 फीट की होती है ना, और क्या कहते हैं जो मैंने आपको बताया था कि लैंडिंग का जो साइज होता है वो स्टेयरकेस की विड्थ के हिसाब से लेते हैं। हमने ये कितने की ली है अब ये स्टेयरकेस? वो तो 250 ली थी, लेकिन 1200 mm ली है विड्थ, 1200 mm, तो ये भी आपकी 1200 by 1200 की बैठेगी। तो फिर जो ये स्टेप होगा वो काउंट 1200 से ही काउंट होगा, मतलब 4 फीट का ही काउंट होगा बेटा। अगर मैंने आपको हिंदी तो समझो, अगर ये 1200 की विड्थ चल रही है तो लैंडिंग भी 1200 की आएगी। अगर आप 1000 की ले रहे हो तो 1000 आएगी, अगर आप 3000 ले रहे हो तो 3000 देनी पड़ेगी। सर मेरा कहने का वो नहीं मतलब कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है एक स्टेप का क्या कहते हैं जो ट्रेड है वो 250 mm का है जी, लेकिन यहाँ पे हम आपने कहा कि क्या कहते हैं विड्थ के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन इसमें 3 फीट का क्या कहते हैं वो है ना, अगर लेंथ में देखूँ तो 1200 है और हाँ विड्थ तो 3 फीट ना। कहाँ है 1200 ही तो है, आप देखो तो ध्यान से। फिर अगर 1200 को 250 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेप्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे आप खड़े होकर टर्न कर सको। अगर मैं स्टेप को पीछे तक ले जाऊँगा तो आपको प्लेटफॉर्म टर्निंग के लिए कहीं कहीं कोई स्टैंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो टर्निंग के लिए, स्टैंड के लिए लैंडिंग दी जाती है। हेलो, हाँ हाँ समझ गया सर, वो तो मेरे को। अगर मैं ये स्टेप नहीं दूँ, मैं यहाँ पे स्टेप, ये मैं लैंडिंग ना देके, आप कह रहे हो मैं यहाँ पे स्टेप दे दूँ इस तरीके से, स्टेप्स आ गए हमारे ये। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप यहाँ से चढ़ के इधर तक आओगे, यहाँ से घूमना है आपको, टर्न लेना है ना, लेना है नहीं लेना है? अब टर्न के लिए आप घूमोगे तो आपके पैर स्लिप होने के चांसेस नहीं है ऐसे में? हेलो, हाँ जी सर ठीक है। इसलिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म छोड़ा जाता है जहाँ पे खड़े हो के आप आराम से क्या कर सको, घूम सको। आप सामान चढ़ा रहे हो तो सामान को आप यहाँ पे रख सको, रेस्ट कर सको, फिर दोबारा से टर्न होके फिर चढ़ा सको सामान, इसलिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म लेते हैं। और लैंडिंग प्लेटफॉर्म की फिर से बोल रहा हूँ, साइजिंग जो होती है स्टेयर केस की, जितनी विड्थ होगी उतनी होगी,
अगर स्टेयरकेस 1200 mm की है तो ये 1200 by 1200 का होगा। अगर स्टेयरकेस 1000 की है तो 1000 का देंगे, अगर 3000 है तो 3000 का देंगे, ठीक है? ये चीज़ रहती है। हाँ, अगर कम स्पेस आ रहा है मिनिमाइज करने के लिए, तब आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन फिर भी 1000 से कम पॉसिबल नहीं होगा। वो तो उस केस में जिस केस में आपके पास स्पेसिंग नहीं बच रही, नहीं बच रही है, तो आप एक कई बार आप वैसे तो लैंडिंग को हमारा इस तरीके से होना चाहिए फ्लैट, लेकिन कई बार आपने देखा होगा अगर स्पेसिंग नहीं बचती है तो लोग क्या करते हैं, हाँ इस पे भी कट दे देते हैं यहाँ पे, या तो इस तरीके से स्टेप देते हैं, ठीक है? और फिर और कम स्पेस में घुमाना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे स्टेप देते हैं, देना नहीं चाहिए लेकिन हमें, क्योंकि ऐसे स्टेप देने का मतलब क्या हुआ, आपने प्लेटफॉर्म तो तोड़ दिया है ना, प्लेटफॉर्म तो टूट गया अब हमारा। अब इसमें क्या होगा, मान लो कोई सामान लेके आ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा हैवी सामान लेके आ रहा है, तो आपको प्लेटफॉर्म पे गिरने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए, ये मेन रीज़न होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग हाँ अवॉइड करते हैं, वरना अगर कम स्पेस में चढ़ाना होता है बिल्डर वगैरह, आप कहीं कहीं जगह देखोगे इस तरीके के स्टेप दिए जाते हैं, लेकिन गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे, इन टाइप के स्टेप्स। कोई मान लो इधर से उतर रहा है, दो एक उतर रहा है एक चढ़ रहा है, अब जो चढ़ रहा है वो तो इधर से चढ़ेगा, जो उतरने वाला वो इधर से उतरेगा, तो उसके पास प्लेटफॉर्म के लिए स्पेस क्या है, कम है, अंधेरा है, तो क्या हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं। इसी सब के लिए प्लेटफॉर्म पे स्टेप नहीं दिए जाते, ठीक है? क्लियर है तरुण? मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया है या नहीं? हाँ हो गया सर, ठीक है। अब इसके दो सेक्शन कटेंगे, क्योंकि एक तो ऐसे कट सकता है, दूसरा वाला इधर से कट सकता है, ठीक है? दो सेक्शन कटेंगे, एक मैं काटूंगा, एक आप खुद काट के रखेंगे। दोनों एक जैसे नहीं होंगे, अगर यहाँ से कट करेंगे ये वाले स्टेप्स कटेंगे, ये वाले स्टेप्स दिखेंगे, किधर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, इधर का अलग आएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। अभी हम स्टेयरकेस टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ठीक है? नहीं बना लिया। अब यहाँ से हम सेक्शन कट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सो सबसे पहला सेक्शन के लिए प्रोसेस क्या होता है, एक्सेल एंटर बी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने वॉल का, स्टार्ट वॉल और एंड वॉल दोनों का रेफरेंस ले लिया हमने, ले लिया। इसके बाद नीचे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी स्ट्रेट, ये हमारा हो गया एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल। इसके हिसाब से हमने इसमें पार्किंग का कुछ दिया नहीं है, लेकिन जनरली हमारी कितनी उठाते हैं, हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से घर कितना ऊपर उठाते हैं, हम 300 से 450 mm, ठीक है? पार्किंग को हम 300 ही उठा रहे हैं, हमने 300 ऊपर उठा दिया, ठीक है? पार्किंग को थोड़ा कम उठाते हैं, जो प्लेंथ लेवल होगा वो और ऊपर उठेगा,
पार्किंग और ग्राउंड एक एक लेवल डाउन ही रहते हैं हमारे घर के, तो हमने 300 mm उठाया इसको एनजीएल से ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी स्लैब तो पड़ा ही होगा यहाँ पे, का स्लैब होगा। उसके बाद साइड में बीम भी आएंगे हमारे, है ना, तो बीम भी दे दिया हमने, है ना। अच्छा, अब फिफ्टी एम एम का इसका फिनिश भी रहेगा, है ना, स्टोन फिनिश वगैरह जो भी होगा 50 mm का या 20 mm का डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इससे ऊपर कितना जाना है हमें, 3600 स्टोन फिनिश से 3600 ऊपर चले गए। आती है मिनिमम, ठीक है। अब बीच में अच्छा ये देखो सेक्शन यहाँ से, एक मिनट, सेक्शन यहाँ से कट हो रहा है, ओपन टाइप है ये, है ना, ये तो ओपन टाइप ही है हमारा, तो इसमें इधर की तरफ स्लैब का एक्सटेंशन तो होगा नहीं, स्लैब तो इधर ही है हमारा, वो तो कटेगा नहीं, तो हमें इतनी ज़्यादा ये इन चीज़ों को दिखाने की कोई ज़रूरत तो ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा, स्टोन के ऊपर पैरापेट वॉल आएगी 1000 mm की, बाकियों को हटा दिया हमने, यहाँ से नीचे भी 1000 mm का गैप देके इसको भी हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस लेना स्टार्ट किया, पहला पॉइंट इसका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, आगे सारे पॉइंट। अब ये जितनी भी लाइनें हैं नीचे तो कोई नहीं आएगी, और यहाँ पे भी स्टोन के ऊपर ही लगेंगे सारे स्टेप्स, तो स्टोन के ऊपर ही आ जाएंगे, है ना। पहला स्टेप यहीं आएगा ना, साइड से ट्रिम कर दिया, इसके ऊपर भी स्टोन आएगा तो दोनों एक दूसरे को वो कर देंगे ना, नलीफाइड कर देंगे। ये आ गया इसके ऊपर, राइजर कितने का था हमारा, 150 का, ऑब्जेक्ट लिया मल्टीपल, ठीक है, ये आ गया हमारा इतना, ऊपर वाले एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। इसकी स्टोन फिनिश के साथ मैंने 3600 mm हाइट ले ली है, अभी इसको ट्रिम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसके बॉटम स्लैब से इसके स्टोन के टॉप स्लैब तक की 3600 mm ली है, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा,
ट्रिम कर दिया हमने इसको, वन टू थ्री फोर काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और ये टेंथ वाली क्या आ गई, लैंडिंग। ये लैंडिंग स्पेस है। लैंडिंग के बाद के जो एलिमेंट हैं वो कैसे जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे, है ना। अभी हमने सिंगल लाइन की थी, अब इनकी जरूरत तो नहीं है, डिलीट कर दिया, इनकी जरूरत नहीं है, इनको भी डिलीट करना, ओह सॉरी इसको डिलीट करना, यहाँ आते यहाँ से स्टेप्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। इस वाले स्टेप के बाद ऊपर लैंडिंग आएगा, लैंडिंग आएगी ना, तो लैंडिंग तो आपका ये वाला प्लेटफॉर्म रहेगा, उसकी थिकनेस आएगी आएगी, उसके नीचे वाले एलिमेंट को हटा दिया हमने, उनको डिलीट कर दिया, इनको डिलीट कर दिया, ये आ गए हमारे। अब जो लैंडिंग वाला स्टेप है वो हमारा क्या होगा, कैंटिलीवर बीम के तौर पर लटक के आएगा, तो उसको अंदर से निकाला, वॉल के अंदर से ही तो आएगा ना पूरा। यहाँ पे भी इनका एक वेस स्लैब आएगा 100 mm का, ऑफसेट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ऊपर से जो स्लैब का था वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी पैरापेट वॉल आएगी आपकी, हाइट इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ इनकी भी तो स्टोन उड़ जाएंगे ना, अब इनके भी तो स्टोन उड़ जाएंगे, इन सब के ऊपर भी तो स्टोन आएगा जी, है ना। तो ये वाला मैंने स्लैब को कम रखा था हाइट थोड़ी सी, ये स्लैब के टॉप की, स्टोन की बात नहीं कर रहा मैं, स्लैब जो था हमारा उसका टॉप, और ये बॉटम वाला स्लैब जो था उसका टॉप 3600 mm थी, ठीक है, उसके ऊपर 50 mm का स्टोन हो जाएगा हमारा, वो 50 mm सबसे ही चलता रहेगा हमारा, है ना। अच्छा इतना हो गया हमारा, अब हैच कर देते हैं, हैच एंटर किया, कंक्रीट से हैच कर दिया हमने, यहाँ ऊपर वाले स्टेप्स में हैचिंग नहीं हो सकती हमारी। अच्छा जो ये स्लैब होगा ये यहीं तक तो होगा बस, इधर तो स्लैब नहीं है, तो यहाँ से बाउंड्री का रेफरेंस लिया हमने, ठीक है,
नीचे की तरफ तो बाउंड्री हो जाएगी हमारी, आगे की तरफ यहाँ पे ग्लास लग जाएगा हमारा, या हैंडरेल आप जैसे ही देना चाहो वैसे दे दो। साइज क्या बैठ रहा है इसका, 700 रेक्टेंगल है हमने डी एंड टेक का, एक रेक्टेंगल बनाया। देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगल पे गया, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दिए और यहाँ से कैपिंग बढ़ा दी हमने 2 एजेस आएंगे ना इन दोनों की, दोनों की एजेस यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये अपना तैयार कर लिया। बताओ स्टेज समझ में आएगी, ये हमारा इसका सेक्शन हो गया, ये हैच हो जाएगा और ये एज इट इज दिखेगा। साइड में आप इसमें रेलिंग लगा सकते हो, यहाँ तक की साइड रहेगी, यहाँ से आपकी वर्टिकल रेल स्टार्ट हो जाएगी। वर्टिकल रेल आपकी बस सिंपल रेक्टेंगल के फॉर्मेट में दिखेगी, 20 की थिकनेस, डेप्थ मैंने 1000 ले ली, इसको मूव करके मैंने यहाँ रखा, इसको मूव करके 150 अंदर कर दिया हमने। ठीक है, ये आपके बैलेस्टर पोल आ गया, उसके ऊपर हैंडरेल लगे ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया,
अब जब यहाँ से आप देखोगे तो ये डोर भी तो दिखेगा ना हमें। तो डोर का रेफरेंस भी ले लेते हैं, ये कितने गैप पे है, 1385। इसकी हाइट है आपकी, हाइट ले लेते हैं 2400। सेंटर पर आपका डोर का पार्टीशन आएगा, ठीक है, चारों तरफ से फ्रेम, तीन तरफ से फ्रेम आ जाएगा इसका। हाउस का लेवल हमारा 150 ऊपर होगा ना, इसके अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्लाइडिंग डोर हो गया और इधर आपका स्टेट केस आ गया, डन। सो इस तरीके से सेक्शन हमने दिखा दिया इसको। अच्छा हैच इसको भी कर देंगे, तो कॉलम आएंगे इसके नीचे हमने स्वागत दिखा दिया। फिर वॉल पे मैच कर दिया और वॉल को वॉल से मैच कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा एल टाइप स्टेयरकेस का सेक्शन कट हो गया। सर ये जो ग्रिल के पास ये बॉम्ब बनी है, वॉल भी नहीं होगी?
कौन सी वाली क्या है? ये वाली ये ब्रिक की होगी, ये तो हमने बीच में खाली करके मेटल या का वो ग्लास में भी दे सकते हैं ना। ये कट नहीं रहा ना, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक सिंपल सा एल टाइप का स्टेयरकेस बना लीजिए, उसमें सिर्फ इतना दिखा दिए, ये आपका स्लैब लेवल आ जाएगा, उसके ऊपर ही आपका पैरापेट लेवल आ जाएगा, ठीक है। नीचे की कोई डिटेल मत बनाओ, अगर आपको थोड़ी सी इशू हो रहा है चीज़ों को समझने में, मतलब बाकी चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो इस तरीके से बना। ठीक है, इस टाइप से बना। हेलो, ठीक है, तो इस टाइप का सेक्शन कट करके लिख आएंगे एल टाइप स्टेटस का प्रॉपर डिटेल से, और सारी चीज़ लिखी होंगी उसमें, जैसे कि ये यहाँ लिखी हुई है ना, सारे लेवल्स। अब इसमें लैंडिंग का भी लेवल आएगा आपका, फ्लोरिंग उसका भी लेवल आएगा, और आपका पैरापेट लेवल भी आएगा, ठीक है। प्लान आप कुछ भी बना सकते हो, या चलो प्लान भी